लोक देवियां, ये टॉपिक था। कुछ देवियां की थी अपन ने, 11 लोक देवियां हो गई थी। नाम सुना है? सच्ची आय माता। सुना कौन सी देवी है? इनको ओशिया माता भी कहते हैं। यहां से जो पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो ओशिया में एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर है, हरिहर का मंदिर है। जब भी प्रश्न आ जाए ना कि अपन देवियां कर रहे हैं लेकिन यहाँ थोड़ा मंदिर का भी देख लें। सच्चाई माता है वैसे जो ओसवाल बनी है उनकी कुल देवी है, तो इतना ही ध्यान रखना है। और ये पूछने वाला प्रश्न नहीं है, नहीं पूछेंगे। ये पूछ सकते हैं कि जो ओशिया के जो मंदिर हैं उन मंदिरों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ या किस राजवंश के काल में शुरू हुआ। तो परमार वंश के काल में, किस वंश के काल में? परमार वंश के काल में परमार शासक था उपलदेव। उपलदेव के काल में इन मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। किसके काल में? उपलदेव के काल में। ये ध्यान रखने वाला है। इसके अलावा हम देखो ये जितने भी मंदिर हैं ओशिया में, जैसे प्रश्न कभी आ जाए कि हरिहर मंदिर एक, हरिहर मंदिर दो, हरिहर मंदिर तीन कहाँ स्थित है, या सीधा पूछ ले हरिहर मंदिर तीन कहाँ स्थित है। जैसे एक बार पूछा हुआ है सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, राजस्थान में है। कहाँ पर? कॉलेज लेक्चर में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा मंदिर? नाम सुना है? किराड़ू में, बाड़मेर के किराड़ू में ये पूछा हुआ प्रश्न है। आप सोमेश्वर मंदिर के नाम से ज्यादा पढ़ते नहीं, बस किराड़ू मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं। और वो भी क्या पढ़ते हैं? किराड़ू जैन मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं, सोमेश्वर मंदिर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, जबकि ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक वैसे ही हरिहर मंदिर के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन हरिहर मंदिर पूछ ले कि हरिहर मंदिर दो कहाँ है, मतलब अलग अलग मंदिर है। हरिहर मंदिर एक दो अलग अलग काल में बने हुए हैं, और सारे के सारे ये ज़्यादातर मंदिर हैं वो प्रतिहार काल में बने हुए हैं। तो नोट करके लिख लो, ओशिया के अधिकांश मंदिर प्रतिहार शैली में प्रतिहार काल में बने, प्रतिहार शैली में बने और प्रतिहार काल में बने। ये इंपॉर्टेंट है कि तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पूछ सकते हैं। पहला ये पूछ सकते हैं, और पूछेंगे तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाले। दूसरा ये है और तीसरा पॉइंट ये, इसके अलावा कुछ नहीं। किस कितना ही बड़ा एग्जाम दे दो, कितना ही बड़ा, बड़ा का मतलब है आरएस का है, एसआई का है, स्कूल लेक्चर का है, कॉलेज लेक्चर का है, किसी भी एग्जाम में इन तीन पॉइंट के अलावा कोई तीसरा पॉइंट नहीं है। यही तीन पॉइंट है मुख्य रूप से जो पूछने वाले हैं। बाकी यहाँ मंदिरों की लंबी लिस्ट है, द्वारपाल के मंदिर हैं, दिग्पाल के मंदिर हैं, नवग्रह मंदिर हैं, कुबेर का मंदिर है, हरिहर का मंदिर है, जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। ओशिया को राजस्थान का क्या कहते हैं?
भुवनेश्वर कहते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में, जहाँ मंदिरों का बड़ा समूह है, जगन्नाथ पुरी सारे कहाँ पर है, उड़ीसा में, जो भुवनेश्वर में आते हैं। तो नोट करके लिख लो, कोशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। जैसे कोशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, इनको जो किराड़ू मंदिर है इनको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, किराड़ू मंदिरों को, किराड़ू मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराड़ू है ना, कहाँ पर है किराड़ू? कोशिया में, बाड़मेर में, इनको क्या कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। इसी प्रकार उदयपुर में जगत के मंदिर हैं, जगत मंदिर हैं, उनको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। इसी प्रकार बंड देवरा है, बारा में है, इसे अलग अलग किताबों में अलग लिखा, दूसरा खजुराहो और मिनी खजुराहो भी कहते हैं इसको, इसको भंड देवरा। वैसे मेवाड़ को, ये जो जगत है ना, जगत को भी मिनी खजुराहो कहते हैं। जो ऑप्शन में आएगा उसके अनुसार देखना है फिर। कौन से ये सारे मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिरों के समूह हैं, ये सैकड़ों मंदिर हैं, यहाँ एक दो चार पांच मंदिर नहीं, कभी तो कह रहे 150-200-250 मंदिर थे यहाँ, इसीलिए तो इनको कहते हैं। जैसे खजुराहो मध्य प्रदेश में, जहाँ मंदिरों का, जो कलात्मक मंदिरों के बड़ी संख्या है यहाँ पर, चंदेल काल में बने थे मंदिर, खजुराहो के मंदिर हैं, चंदेल काल में बने थे, मध्य प्रदेश का राजवंश है। नहीं 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 नहीं, अरे खजुराहो जगह है, खजुराहो मध्य प्रदेश में एक जगह है, जहां पर चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए कलात्मक मंदिर हैं और बड़ी संख्या में मंदिर है, तो उपमा दी गई है, उपमा दी गई है। ये ध्यान रखने वाले, ये पूछ सकते हैं। हाँ, अरे मिनी यानी छोटा, तो जगत को भी मिनी खजुराहो कहते हैं, और भंड देवरा जो बारा में है उसको भी मिनी खजुराहो कहते हैं। ये हाड़ोती का खजुराहो है, हाड़ोती में है बारा, हाड़ोती का मिनी खजुराहो, और ये मेवाड़ का खजुराहो है, मिनी यानी छोटा, उपमा दी गई है, उपाधियां हैं, ये उपाधियां दी गई है। अब कहोगे ये दो दो मिनी खजुराहो कौन आएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में जो भी आएगा ना वो सिंगल ही आएगा। वस्तुनिष्ठता का मतलब यही होता है कि उत्तर एक ही होगा, वहां दो उत्तर नहीं होंगे। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही होता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें उत्तर एक ही होता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर पूछ लेना तो उसका उत्तर यूँ नहीं, अगर ये भी सही है और ये भी, कई स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर दो दो ऑप्शन थे उसमें सही, अरे नहीं है, ऑप्शन एक ही सही है उसमें, तो एक ज़्यादा सही हो सकता है, दूसरा थोड़ा कम सही हो सकता है, लेकिन एक्यूरेसी में एक कोई ऑप्शन है जो पूर्ण रूप से सही है, एक आंशिक सही हो सकता है, लेकिन ऐसा आंशिक भी नहीं होगा, वो तो मैं बता रहा हूं, बाकी तो एग्जैक्ट होगा, 100% ही होगा।
अब देखो आशापुरा माता। जालोर ये सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है ये। जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है, ध्यान रहे, पूछ सकते हैं। ईओ के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ईओ एग्जाम जो 2008 में हुआ था उसमें आया हुआ है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अभी एग्जाम हुआ था ना, जिसमें बात भारी टाइप से नकलें हुई है, फुल नकलें हुई थी। यानी आप डबल में कट ऑफ 108 गई है, 120 नंबर में से। आप देख लो कितनी भारी नकल हुई है। पेपर कुछ आसान था, एकदम लपू टाइप है, इससे घटिया पेपर नहीं हो सकता। इतना घटिया पेपर का लेवल, प्रश्नों का लेवल निहायती, मतलब क्या बताऊं, बद से बदतर है। 10वीं क्लास के बच्चे को अगर कहे ना कि तू राजस्थान जीके का एक पेपर बनाना है, वो उससे हो सके अच्छा पेपर बना दे, उससे बदतर, मैं कहूं बदतमीज टाइप का पेपर था पढ़ने वालों के लिए। क्योंकि पेपर आसान नहीं होना चाहिए, इसे बड़े एग्जाम के लिए पेपर टफ होना चाहिए। इतना घटिया पेपर, आप पेपर देखा नहीं, आपको जीके आता नहीं, इसलिए आपको लगेगा वो थोड़ा टफ है। बाकी जो पढ़ रहे हैं ना, अरे एकदम सीधे सीधे, एकदम सीधे सीधे प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न, ये तो बहुत टफ है। ये जो है ना सोनगोरा, ये तो टफ प्रश्नों में से। तो वो 2008 वाले पेपर में पूछा था, जालोर के सोनगराओं की कुलदेवी, यानी आशापुरा किसकी कुलदेवी है। सोनगरा चौहान, यानी अगर सुना हो आपने नाम, कानड़ देव का नाम सुना है, जालोर का शासक था, जालोर का प्रसिद्ध सोनगरा शासक था, उनकी कुलदेवी है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी से नहीं, 1311 में, 11-12, 7-8 में तो पहला युद्ध हुआ था, सिवाना वाला युद्ध हुआ, वो 7-8 में हुआ था, सातलदेव, ये 1311 में हुआ था। इन्हें महोदरी माता भी कहते हैं, महोदरी माता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, महोदरी माता। अब इनके मंदिर कहाँ कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मोदरा में, मोदरा जालोर में है, पोकरण में, बताइए पोकरण कहाँ है। यस हैं, बिल्कुल वही है, ये वही माता है। और एक कच्छ गुजरात में, जान रहे, वो अलग है। अब देखो एक काम करो, विषाओं की कुलदेवी है ना, वो अलग है, वो नहीं है। तो विषा नहीं लगाते हैं। हाँ, लेकिन वो अलग है, इनकी इनकी जो है ना, ये आशापुरी माता, ये तो इन्हीं की कुलदेवी है, आशापुरी माता है। आशा पूरी माता, इसका ध्यान रखना।
महोदरी, ये ध्यान रहे। शाकंभरी माता, सांबर में इनका मंदिर है। सांबर तो प्रारंभिक मंदिर है ना शाकंभरी माता का, वो सांबर में है। और अभी सबसे बड़ा मंदिर है वो है उदयपुर वाटी में, कहाँ है, हाँ जयपुर की साइड में जाते हैं तब आता है, बॉर्डर पे ही है, मतलब थोड़ा सा जयपुर से इस साइड में। देखो तो शुरुआत का मंदिर कहाँ है, सांबर में है, और बड़ा मंदिर कहाँ है, उदयपुर वाटी में, शाकंभरी माता का, ऐसे लिए नहीं जिक्र किए। ये पूरा एरिया उदयपुर वाटी कहलाता है, और एक जगह भी है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी एक जगह भी है। अरे इधर से जाओगे ना सीकर जाओ, सीकर से आप जयपुर साइड मत जाओ, सीधे सीधे चलो, फिर राइट टर्न करो, उदयपुर वाटी आएगा, वो है ना लोहागल, लोहागल जी है ना, उससे थोड़ा सा आगे जाओगे करीब 15-20 किलोमीटर, लोहागल गए हो कभी, बहुत मजेदार जगह है। आपको लगेगा कि वास्तव में कि जो बाहर वाली दुनिया है ना, दौड़ती भागती दुनिया, वो बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग है। पुष्कर गए, उससे भी ओरिजिनल स्थान है, आप वहां जाओगे तो आप लगेगा कि बिल्कुल अलग जगह पे आ गए, पहाड़ियों से घिरा हुआ एक जगह है, एक बार नहीं नहीं लोहागल पहाड़ियों से घिरा हुआ एक जगह है, बीच में एक बड़ा कुंड है, बिल्कुल ही हिस्टोरिकल प्लेस है, देखने लायक है। साग सब्जी फल कंदमूल की देवी है ये शाकंभरी, इसको लिख लो, पूछ सकते हैं साग सब्जी कंदमूल की देवी कौन सी है। साग सब्जी कंदमूल की देवी, त्रिपुरा सुंदरी, सीधे ही पूछते हैं त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है, झलावाड़ कहाँ पर है, भीलवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा, इन्हें तरतई माता भी कहते हैं, तरतई माता भी कहते हैं। ये स्थान का नाम ध्यान रखना और इनका उपनाम,
लटियाल माता कहाँ पर है मंदिर? बलोदी में। बलोदी में, बलोदी के जो ब्राह्मण है ना वो बहुत पूछते हैं। पूछा हुआ नहीं है ना, कभी पूछने वाले ये पूछ सकते हैं। नाम सुना है? नहीं सुना, ऐसा सुना नहीं है तुम्हें नाम, ऐसा लगता है कि सुना सुना है, ऐसा लगता है ये सुना है, बाकी बिल्कुल सुना हुआ नहीं है, बिल्कुल सुना सुना है, नहीं सुना हुआ। अच्छा बताओ कहाँ सुना है, कैसे सुना? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, देखें इनका मंदिर आउआ में है। सुना है? नहीं सुना, कह रहा हूँ कैसे सुनेंगे। हाँ कहीं कहीं आउआ भी लिखा मिल जाएगा, और वैसे नाम आउआ है पाली में। हाँ आउआ के जो ठाकुर हैं कुशाल सिंह, चंपावत, उनकी कुल देवी है ये। आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह की, कुशाल सिंह चंपावत, पूरा लिखना, पूछ लेते हैं कभी, पूछ लेते हैं। आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है। जिन्होंने 1857 के युद्ध में अंग्रेजों को दो युद्धों में पराजित किया था। वैसे 1857 क्रांति करेंगे ना उस समय करेंगे ये, फिर भी लिख लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये। तीन युद्ध लड़े, तीन युद्ध में से दो में पराजित किया। कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी। मंदिर कहाँ है? आउआ में। मंदिर कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा है, 10x10 का कमरा जैसा, पुराना मंदिर है, मंदिर पुराना है। जब आउआ पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो ये मूर्ति उठाकर वो आबू ले गए, आबू से फिर वो उस मूर्ति को अजमेर ले आए, और वर्तमान में पाली के संग्रहालय में है ये मूर्ति। वर्तमान में पाली के संग्रहालय में है, ध्यान रखना। कहते हैं कि जो 1857 की क्रांति के दौरान सितंबर से, अक्टूबर से लेकर के, अक्टूबर 1958 से लेकर, 57 से लेकर जनवरी 1958 तक कुशाल सिंह ने तीन युद्ध लड़े अंग्रेजों से, जिसमें पहला और दूसरा दो युद्ध थे, बिठोड़ा का युद्ध और चैलावास का युद्ध। बिठोड़ा और चैलावास दोनों युद्धों में उन्होंने अंग्रेजों को, अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। क्रांति करेंगे उस दौरान करेंगे। और कहते हैं कि इसके पीछे कुलदेवी का था, उन्होंने कहा था आशीर्वाद स्वरूप कि युद्ध में जाते वक्त पीछे मुड़ के मत देखना, जब तक तो पूछे पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ऐसी वहाँ की कथाएं चलती हैं, स्थानीय लोग बताते हैं, तब तक तो जीतता रहेगा, और पीछे जैसे ही मुड़ा समझो तेरी हार हो गई। पहले युद्ध में उन्होंने
नियम का पालन किया, दूसरे युद्ध में किया, दोनों युद्ध में दोनों सेनाओं को पराजित किया, तीन तीन अंग्रेज अधिकारी आ गए, एक को मार दिया, बाकी सारे भाग गए। तीसरे युद्ध में उसको थोड़ा लगा कि देख लेते हैं, और वो पराजित हो, ऐसी वहां की कथा है। नहीं, वो जिज्ञासा होती है ना, हम जिस काम के लिए मना करते हैं वो काम हम एक बार जरूर करते हैं। ये मानसिकता ही है या ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही है? बिल्कुल, हम हमें कह के देखो वहां मत जाना, एक बार जाएंगे जी, क्या है, देख के जरूर आएंगे क्या है वहां। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि जो इस काम के लिए मना किया जाएगा एक बार तो जरूर करेंगे। ये देखो, इसका हाथ मत लगाना, ठीक है, नहीं लगाएंगे, एक दो दिन, पांच दिन, दस दिन, लेकिन एक दिन क्या देखे हैं, क्या थोड़ा सा, वैसे इतना हो गया। अंबिका माता, अंबिका इनका मंदिर उदयपुर के जगत में है, उदयपुर में जगत एक जगह है जहां पर बहुत सारे मंदिर बने हुए। इस मंदिर को जगदम्बिका प्रासाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जगदम्बिका प्रसाद, प्रासाद, प्रासाद मतलब ये युग्म शब्द हैं, एक है प्रसाद और एक है प्रासाद। प्रसाद का मतलब होता है कृपा और इसका अर्थ होता है भवन। इसका अर्थ होता है भवन, इमारत, महल, और प्रसाद का मतलब होता है कृपा, आशीर्वाद, अनुकंपा। नाम ध्यान रखना, जगदम्बिका मंदिर। ये जो जगत के मंदिर है ये लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं 13वीं शताब्दी तक के मंदिर है सारे। सबसे कब तक है मंदिर करेंगे, इनका एक छोटा टॉपिक है, बड़े कुछ कुछ मंदिर है उसमें करेंगे। तनोट माता मंदिर कहाँ है? तनोट में है। इनको क्या कहते हैं? सेना की देवी भी कहते हैं। लिख लो, तनोट माता, तनोट में मंदिर है, सेना की, जैसलमेर में, सेना की देवी कहते हैं। रख रखाव, मेंटेनेंस, पूजा वगैरह सारा काम सेना ही करती है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। मंदिर तो बहुत सारे हैं, गए हो कभी? गए तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो फोटो देखा है, फोटो से पता चल गया कि कितना तरीके से उसको व्यवस्थित कर रखा है। मंदिर तो बहुत सारे हैं जैसलमेर में, और भी है तनोट माता जैसे जैसे, लेकिन व्यवस्थित एक भी नहीं है। अगर कोई व्यवस्थित है तो जाति विशेष से जुड़ा हुआ है तो उन्होंने मेंटेन कर रखा है, क्यों नहीं जाने देते? जैसे जैसे नाकोड़ा है, नाकोड़ा मंदिर है, ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बना रखा है इन्होंने, और व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आप देखो यार, इतने अनुशासित लोग, कहीं पर भी आपको एक छोटा सा चॉकलेट का कागज भी नहीं मिलेगा, रेपर नहीं मिलेगा आपको चॉकलेट का, बड़ी की बात तो दूर की बात है। और इतने एकदम बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है यहाँ पर। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर जाते हो, लोग बरमूडा पहन के आ जाते हैं। अरे कम से कम यहाँ तो शर्म कर लो,
इस मंदिर में स्पष्ट मना है कोई भी लुंगी बरमूडा इस टाइप के वस्त्र पहनकर नहीं आएगा। आप पाजामा पहन सकते हो, पैंट पहन सकते हो, धोती पहन सकते हो, बरमूडा लुंगी टाइप का कोई भी वस्त्र नहीं पहन सकते। धोती पहन लो, कुर्ता पाजामा पहन लो, पैंट पहन लो, कोई भी पहन लो, ये नहीं पहनना, स्पष्ट निर्देश है और कोई नहीं आता है। मंदिर में देखता हूँ लक्ष्मण जी, थोड़ी बहुत शर्म नहीं है, बनियान में आगे टप 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 करते हैं और बरमूडा पहना हुआ है नीचे और बनियान में आगे, हद दे यार, निर्लज्जता की हर सीमाएं पार है तुम्हारी। मैंने तो एक दिन कह दिया था, बुजुर्ग बैठे थे बातें कर रहे थे, मैं क्यों यहाँ ऐसे ही आते हैं क्या, ये 2008 से पहले की बात है जब मैंने वहाँ जाना शुरू हुआ था, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि भाई ला क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहे हैं, स्पष्ट निर्देश दो ना, बरमूडे में आ जाते हो, बनियान में आ जाते हो, हद है निर्लज्जता की, मंदिर है वो, अरे हर चीज की मर्यादा होनी चाहिए। अरे नगर सेठ है तो कोई बात नहीं, नगर सेठ की थोड़ी कह रहा हूँ, तो कम से कम वहां तो तरीके से जाओ ना, कुछ कुछ क्या सही, कुछ क्या कहें उसको, कुछ हाँ मान मर्यादा तो होगी ना, है? फिर नंगे चले जाओ, चड्डी पहन के चले जाओ ना, निकर में जाओ ना, कौन मना करता है। तो ये यहाँ जाओगे ना आप नाकोड़ा मंदिर करेंगे तब करेंगे इनके बारे में डिटेल, इतना व्यवस्थित तरीके से। अब कहीं पर कचरा एक कह रहा हूं ना, चॉकलेट का रेपर नहीं मिलेगा। सुंदा माता नाम सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदा माता। जालोर में है सुंदा माता का मंदिर, जालोर में। ये सुंदा माता का जो आसपास का जो एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, यहाँ पर भालू बहुत संख्या मिल जाएंगे, इसलिए इसको भालू अभयारण्य घोषित कर रखा है। ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का अभी तक का पहला ही भालू अभयारण्य है, इसको लिख लो, नोट करके लिख लो, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। भालू उद्यान कहाँ पर है, जालोर में। वैसे जालोर सिरोही के बॉर्डर पर है ये एरिया, कुछ हिस्सा जालोर में आता है, कुछ हिस्सा सिरोही में आता है। सुंदा माता सीधा आएगा, सुंदा माता मंदिर कहाँ, भवाल माता, मेड़ता के पास है, मेड़ता सिटी है ना, मेड़ता सिटी से कोई 25-30 किलोमीटर आगे। रिया का नाम सुना है, रिया नहीं सुना, पुराने गांव है ये, जहाँ गुप्त काल के बहुत सारे मंदिर मिले, रिया, जसनगर, केकिन, जो गुप्त काल के मंदिर है, ये मंदिर भी गुप्त काल का ही है, लाल पत्थर का बना हुआ है। भवाल माता मेड़ता, भवाल मेड़ता में ये गांव है, मेड़ता के पास ही गांव है जिसका नाम ही भवाल है। देख लो ये गुप्तकालीन मंदिर है, लाल पत्थर का बना हुआ गुप्तकालीन मंदिर है, लाल पत्थर का बना हुआ है। ददीमती माता,
गोठ मांगलोद में, नागौर में, गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद ये जो दादीज ब्राह्मण है ना, उनकी कुल देवी है, दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। गोठ मांगलोद में, गोठ मांगलोद जिप्सम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम का भंडार है यहाँ गोठ मांगलोद। मरकंडी माता जगह का नाम ध्यान रखना, भीमाज पाली में, मरकंडी माता पाली के निमाज गांव में। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना कहाँ है। छेमकरी माता भीनमाल लिख, भीनमाल जालोर। गाजर माता पूछ सकते हैं ये प्रश्न, गाजर माता का मंदिर। पड़ियार राजपूत होते हैं ना, उनकी कुल देवी है और इनका मंदिर। वैसे तो लगभग जहां पड़ियारों की संख्या ज्यादा है वहां मिल जाएगा, गीजगढ़ पाली में इनका मंदिर है। गीजगढ़ पाली इंपॉर्टेंट है, देखो ये खाली नाम ही है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रख, ये वाला हुआ, ये हुआ, ये हुआ है, पड़िहारों कुलदेवी है। कुलदेवी है ये पूछा हुआ है। बीजासना माता का मंदिर कहाँ है, बीजासना माता का मंदिर बूंदी में, बूंदी विरात्रा माता का मंदिर चौहटन में, चौहटन कहाँ है, बाड़मेर में।
चौटन किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए। गोंद आता है ना, कौन सा खाने वाला गोंद, उसके लिए लिख लो इसको। चौटन गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जोगणिया माता, मेवाड़ में बहुत ज्यादा पूजी जाती है, इनका मंदिर है। भीलवाड़ा में जगह का नाम ही है जोगणिया, जगह का नाम है जोगणिया, वहीं पर रहेंगे, ध्यान रखना। अंबा माता, उदयपुर में एक सिरोही में भी मंदिर है अंबा माता का, एक और लिख लो सिरोही में। आमजा माता इम्पोर्टेंट है, आदिवासियों के द्वारा पूजी जाती है बहुत ज़्यादा, आमजा माता। वैसे सारे पूजते हैं वैसे तो उस क्षेत्र के। केरावली कहाँ है? केरावली उदयपुर में। उदयपुर में ध्यान रखना है। बड़ली माता चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में ये भी वैसे ही मंदिर है जैसे अपने मंदिर किया था, असावरी माता का मंदिर याद है। किया था ना, ना बद्देसर में, जहाँ मंदिर की तिबारी में से लकवाग्रस्त बच्चों को निकालते हैं तो उनका ठीक हो जाता है। बड़ली माता में भी यही है, लिख लो चाहे यहाँ पे, लकवाग्रस्त बच्चों का इलाज होता है यहाँ पर। लकवाग्रस्त बच्चों का इलाज होता है। और एक लास्ट देवी कर लो, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ब्राह्मणी माता का मंदिर है। एक ही है, हाँ, बारह में। और इनकी पीठ की पूजा होती है बारह में। पीठ की पूजा होती है।